डिप्टी सीएम अरुण साव हमारे साथ है। 500 वर्षों की तपस्या आज सफल होने जा रही है। निश्चित रूप से आज हिंदुस्तान के लिए, राम भक्तों के लिए आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक, अविस्मरणीय और यादगार है। जब 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का लोकार्पण हो रहा है और छत्तीसगढ़ चूंकि भगवान राम का ननिहाल है, इसलिए छत्तीसगढ़ के गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले में हर एक व्यक्ति आज अपने आप को भगवान राम की भक्ति में पूरी तरह से डुबा रखा है। अलग अलग प्रकार की लोगों ने तैयारियां कर रखी है। हर व्यक्ति कुछ न कुछ नया करने के लिए लगा हुआ है और आज का दिन जिस प्रकार से उत्सव की तरह मनाया जा रहा है और सब लोग भगवान राम की भक्ति में लीन है। एक वर्षों पुरानी तपस्या थी, 500 वर्षों। हालांकि भगवान राम को तो 14 वर्ष का वनवास हुआ था, लेकिन इस राम को मंदिर में प्रवेश होने के लिए 500 वर्षों का इंतजार, 500 नहीं 550 वर्षों की सांस्कृतिक गुलामी के बाद प्रभु श्री राम टाट से ठाठ में जा रहे हैं और हमारे लिए तो भांचा राम है। तो हमने सजा दिया है गुलशन छत्तीसगढ़ को, जैसा गुलशन होता है, क्योंकि भांचा राम आए हैं। अब किस तरीके से आगे की रूपरेखा तय होगी, छत्तीसगढ़ के जो राम भक्त हैं उनको ले जाने की क्या कुछ व्यवस्था सरकार के पूर्ण द्वारा? छत्तीसगढ़ अपने भांचा के आगमन पर प्रसन्न है और छत्तीसगढ़ की समृद्धि और विकास, हमारे यहाँ तो हर बात में राम है और जिसके कण कण में राम हो उसका विकास अपनी गति पकड़ेगा ही। जनता का सरोकार